गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी कम बैक, दिस इज योर साइंस क्लास। एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर नंबर 2 एंड द टॉपिक नेम इज प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड्स। हम लोग इस चीज़ का बारे में पढ़ रहे थे जो कि हमारा टॉपिक था, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर हम लोग ऊपर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ा था और कुछ टॉपिक्स बच गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्लांट्स गिव्स अस फूड। उसी में एक टॉपिक है हमारा स्पाइसेस का है, ठीक है, उसके बाद ऑयल्स का है। हम लोग बहुत कुछ अपने प्लांट से जो हम लोग मिलता है, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग जो भी मसाला यूज करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो भी हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है। दे ऐड टेस्ट, कलर एंड अरोमा। अरोमा मीन्स होता है जो प्लीजेंट स्मेल, मतलब जो खुशबू देती है, ठीक है। तो हम लोग जो मसाला यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो एक तो उसमें कलर लाने के लिए, ठीक है, मतलब उसमें एक अलग सा रंग लाने के लिए। दूसरा कि स्वाद के लिए भी हम लोग मसाले का यूज करते हैं, अगर मसाला नहीं देंगे तो कुछ खाना अच्छा नहीं लगेगा। और अरोमा मीन्स होता है एक अरोमा होता है जो प्लीजेंट स्मेल देता है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा खुशबू देता है, ठीक है। आगे है, सम स्पाइसेस आर यूज इन पाउडर फॉर्म। कुछ जो स्पाइस होते हैं वो हम लोग पाउडर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ब्लैक पेपर, कार्डिमम, क्लोव एंड कोरिएंडर इटीसी, ये सभी क्या है कि हम लोग पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें धनिया पाउडर हो गया या फिर मिर्ची का पाउडर हो गया, तो ये सभी क्या है पाउडर फॉर्म में होता है। टर्मेरिक हो गया जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं, ये सभी क्या है कि एक पाउडर फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सभी कहाँ से आता है ये मसाला, तो हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। आगे हमारा कोका। कोका होता है, ये एक पेड़ होता है, ठीक है, जिसमें कि इसका यूज किया जाता है। इसमें सीड्स होते हैं, ठीक है, ये सीड्स का यूज हम लोग करते हैं चॉकलेट बनाने में, ठीक है। जो भी चॉकलेट से रिलेटेड जो भी हमारा चीज बनता है, ठीक है, वो चाहे चॉकलेट हो या केक हो या किसी भी तरह का जिसमें चॉकलेट का यूज करता हो, उसको हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें, तो कोका का यूज करते हैं, ठीक है। वी गेट सुगर केन फ्रॉम द जूस ऑफ सुगर केन स्टीम। हम लोग जो चीनी यूज करते हैं, ठीक है, वो चीनी कहाँ से आता है, तो गन्ने से आता है, ठीक है। गन्ना जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसका हम लोग को चीनी प्राप्त होता है, ठीक है, उसी से चीनी बनता है। अगला है ऑयल। ऑयल मीन्स हो गया तेल, ठीक है। वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, ये भी हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से ही मिलता है। वी यूज इट फॉर कुकिंग, हम लोग इसको किस में यूज करते हैं, तो खाना बनाने में यूज करते हैं, मेडिसिन मतलब दवा में भी यूज करते हैं। एंड अप्लाइंग ऑन हेयर, और सर में भी जब तेल लगाते हैं, ठीक है, हम लोग को अगर सर में दर्द हो या कुछ भी हो तो हम लोग एक अलग तरह से तेल लगाते हैं, ठीक है, और नॉर्मली भी हम लोग सर में तेल लगाते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ ऑयल का नाम यहाँ लिखा हुआ है, कोकोनट है जिसको हम लोग नारियल का तेल बोलते हैं, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, इटिसी, बहुत तरह के और भी होते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो बाल भी लगाने के लिए यूज करते हैं, साथ ही साथ खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा मेडिसिन के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे है, वी ऑल्सो यूज ऑयल एंड जूस ऑफ सम प्लांट्स इन सोप। हम लोग जो साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है, या टूथपेस्ट यूज करते हैं जो कि दांत साफ करने के लिए, तो इसमें भी क्या होता है कि हम लोगों को ऑयल का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। प्लांट्स, हम लोग को पता है कि हम लोग प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते हैं, हमारा लाइफ अधूरा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेड़ के कारण ही, पौधा के कारण ही हम लोग जीवित है, ठीक है, उसके अलावा उसके बिना हम लोगों का जिंदगी अधूरा है, ठीक है, हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो अभी जो आपका टॉपिक है वो प्लांट कीप द एयर फ्रेश। प्लांट जो है तो हमारे एयर को, वातावरण को, ठीक है, वो क्या करता है, तो फ्रेश रखता है, एकदम क्लीन रखता है, ठीक है। पेड़ के कारण से क्या होता है कि जितना भी धूल मिट्टी है वो क्या होता है कि एक बार हवा चलने पर या कुछ भी होने पर वो सारा अलग हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो वातावरण है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ठीक है। प्लांट टेक इन गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जब भी जो हवा है, ठीक है,
तो प्लांट्स भी क्या होता है कि सांस लेता है तभी वो जिंदा है। तो प्लांट जो सांस लेता है उसको हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। एंड गिव आउट अनदर गैस, और वो लेता क्या है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। लेकिन वो देता क्या है, तो हम लोग को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और उसके ऑक्सीजन देने से हम लोग फिर अपने आप में सांस लेते हैं, ठीक है। वो कैसे लेते हैं, तो पेड़ के छोड़ने पे ही हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। वो जो पेड़ जो गैस छोड़ता है उसका नाम क्या है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मेक द एयर फ्रेश, और ऑक्सीजन क्या करता है कि एयर को, ठीक है, वो एकदम फ्रेश और क्लीन रखता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ। हम लोग को जो भी एनिमल्स है या आदमी है या जानवर है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। सांस लेने के लिए उसको क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग, और एयर को किसमें जरूरी पड़ता है, तो बर्निंग में भी, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम कोई आग लगाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाते हैं, तो उसमें भी एयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। विदाउट एयर वो नहीं जलेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा प्लांट प्रोवाइड शेल्टर। प्लांट से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जानवर है या आदमी होते हैं जिनको वो क्या करता है, आश्रय देता है, ठीक है, छांव देता है रहने के लिए। तो प्लांट प्रोवाइड शेल्टर, ठीक है, शेल्टर में होता है आश्रय, यानी कि उसको रहने के लिए कोई जगह देना। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, मैनी एनिमल्स लाइक मंकी स्क्वायरल बर्ड्स एंड इंसेक्ट लिव ऑन प्लांट्स एंड ट्री। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, तो पेड़ पे रहते हैं, जैसे कि मंकी, ठीक है, स्क्वायरल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स लिव ऑन कहाँ रहते हैं, वो तो पेड़ पे रहते हैं, ठीक है। चिड़िया को देखते हैं, वह घोंसला बनाता है, तो भी कहाँ बनाता है, पेड़ के आसपास में ही बनाता है, पेड़ पे बनाता है। अगला है प्लांट गिव फूड टू एनिमल्स। प्लांट से क्या होता है कि जानवरों को खाना भी मिलता है, आपको भी पता है ये चीज़। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त हो रहा, फिर आगे जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपका जो होमवर्क है वो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।